भाई, हम टाटा आर्चरी एकेडमी में ग्राउंड में हैं। अभी आप आपसे मिलाते हैं रंजीत गोप जी से, इसके आर्चरी के बारे में कुछ बताएंगे। तो बाकी जो हमारे व्यूअर्स लोग हैं, आर्चरी के बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी दे दीजिए ताकि वो लोग भी कुछ जान पाए। देखिए, आर्चरी अलग अलग इवेंट है हमारे मतलब इंडिया में चलने वाला। जैसे आर्चरी स्पोर्ट्स में तीन इवेंट है, एक इंडियन राउंड है, एक कप है, कंपाउंड है। तो वो अलग अलग स्तर पे खेला जाता है। जैसे इंडियन राउंड है, इंडियन राउंड है जो कि आपका मतलब इंडिया के अंदर ही खेला जाता है। जैसे जिसमें बैम्बू वगैरह का वो जो होता है हम लोग यूज करते हैं, वो इंडियन राउंड होता है। अदरवाइज रिकव या कंपाउंड जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल टूर्नामेंट के लिए। इंटरनेशनल टूर्नामेंट मीन्स जैसे वर्ल्ड कप है, एशिया चैंपियनशिप है, उसके लिए कंपाउंड चलता है। और एक ओलंपिक जो हम लोग है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं रिकव से। रिकव वो अगर है तो आप मतलब ओलंपिक का तैयारी कर सकते हैं, ओलंपिक के लिए ट्रायल दे सकते हैं, उस आधार पे ही आपको प्रैक्टिस करना है। अगर कंपाउंड है तो वर्ल्ड चैंपियनशिप तक खेल सकते हैं, एशिया कप, वर्ल्ड चैंपियनशिप। और अगर इंडियन राउंड से स्टार्ट किए हैं तो फिर मे भी इंडियन राउंड में हम लोग इंडिया लेवल में टूर्नामेंट जो होता है स्टेट नेशनल, उसी तरह से खेल सकते हैं आप। जैसे अभी कंपाउंड और रिकव में क्या डिफरेंस थोड़ा बताइए। कंपाउंड रिकव में डिफरेंस क्या है कि जैसे कंपाउंड क्या है कि वो मेटल मेटल से बना हुआ, रिकव भी मेटल से बना हुआ, लेकिन उसमें लेंस अलाउ है कंपाउंड में। हाँ, लेंस ट्रिगर अलाउ है। हाँ। और रिकव में लेंस और ट्रिगर अलाउ नहीं है। अपना आंख से जो भी तो चश्मा तो पहन सकते हैं, मगर उसमें पहन सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है, उस इक्विपमेंट पे लेंस लगा रहता है आपका। कंपाउंड इवेंट के अंदर जैसे साइट है, साइट पे लेंस ऑलरेडी लगा हुआ रहता है, और रिकव में लेंस नहीं रहता है। ऊपर से क्या, वो लॉक सिस्टम है, आप खींच के लेके आ सकते हैं, उसको लॉक हो जाएगा। रिकव क्या है, लॉक नहीं हो सकता, आपको कंटिन्यू आपके पावर के हिसाब से इसको रखना होगा, उतना दूरी तक खींच के रखने के लिए जब तक क्लिक ना हो जाए। उसमें क्लिकर नहीं है, वो ऑटोमेटिक है कि आप एक बार खींच के ले आए, लॉक हो गया तो फिर आपको जीरो बैलेंस हो जाता है। लॉक करने के बाद पावर आपका नहीं लगना ज़्यादा, उसके बाद आप ट्रिगर ऑपरेट करेंगे तो वो हिट करेगा तीर बोर्ड के ऊपर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया काफ़ी जानकारी। ये थोड़ा हम थोड़ा चेक करें कैसे ये करता है। रिकव ना, रिकव ये 70 मीटर का इवेंट है। हाँ, 70 मीटर का। और कंपाउंड में 50 मीटर का होता है। कंपाउंड 50 मीटर होता है। चलिए, काफ़ी जान भाई, ये रिकव इक्विपमेंट का आपको दिखा रहे हैं, आर्चरी का कुछ सेफ्टी इक्विपमेंट्स है उसके बारे में बताएंगे। देखते हैं हम लोग, ये सिलेंडर है जिसको हम लोग बो लॉक करके रखते हैं, बो को हम लोग पकड़ते नहीं है, इसके बांधने के बाद बो को फ्री छोड़ दिया जाता है, फिंगर से लॉक नहीं करते हैं उसको। ये फिंगर टिप है, इससे हम लोगों का फिंगर बच जाता है, जब बार बार स्ट्रिंग को खींचा जाता है तो फिंगर डैमेज ना हो उसके लिए। ये आर्म गार्ड, ये जब हम लोग स्ट्रिंग पुल करते हैं और वापस जाती है वो, तो टच करता है इस जगह में, तो ताकि बार बार टच करेगा तो इस जगह कट जाता है। हाँ। उससे बचाव के लिए आर्म गार्ड अनबैलेंस हो गया तो डायरेक्ट हिट कर सकते हैं। वो थ्रेड हिट करेगा स्ट्रिंग जिसको बोलते हैं हम लोग, वो कटने की वजह से इसको बांध के रखते हैं। ऊपर से एक चेस्ट गार्ड लगाया गया है ताकि कोई भी टी शर्ट पहनते हैं किसी भी तरह से, ये किसी भी तरह से टी शर्ट पहनेंगे तो आपका बॉडी में ना लग जाए, उसके लिए है वो थ्रेड। जैसे इस पे दिखा है, ये वेट है, इसको लॉन्ग बार बोलते हैं, ये एक्सटेंशन है, ये शॉर्ट बार है, ये हैंडल है, ये लिम्स है, उसको स्ट्रिंग बोला जाता है, स्टैंड, ये साइटर, ये प्लांजर बटन, ये सबको मिला करके बो बोलते हैं। इतना सारा चीज होने के बाद उसको बो बोला जाता है। इसका करीबन कीमत कितना हो जाएगा? इसका कीमत हो जाता है मतलब 2 से 2.5 लाख रुपये। कंपाउंड वाला भी वैसे ही, इसके एरो ही आते हैं मतलब 12 पीस एरो का दाम है कम से कम 40,000 रुपये। एरो एक एरो का नहीं, 12 एरो 40,000। 40,000 कितना? 2.5 लाख बोले ना। हाँ, 2.5 लाख नॉर्मल तो नहीं कर रहा। जैसे आप ये वाला देख रहे हैं ना, ये ठीक है, यही आपका 30,000 का आता है, ब्लैक वाला जो ये वाला है, ये जो इस टाइप का ये देख रहे हैं ना, ये 8,500 का है, छोटा सा जो उसका काम अलग अलग है। ये लंबर सेट देख रहे हैं सब, ये भी 30,000 का आता है, इसमें उसमें लगा होगा, हर एक का अलग अलग। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप काफ़ी जानकारी दिए। इसमें जिस किसी को लाइक यहाँ करना चाहिए तो आप चैनल देखिए, इसका पूरा जानकारी आपको जितना हो सके शॉर्ट में हम प्रोवाइड करने की कोशिश की। चलिए, काफ़ी जानकारी दिया, शुक्रिया रंजीत जी। रंजीत ने